हाउ आई गॉट फेदर क्लाइंट। सो आज की इस वीडियो को मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि मुझे अपना फेदर क्लाइंट कैसे मिल गया। फेदर क्लाइंट आजकल बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है, अचानक से ही सुनने में आ गया मुझे फेदर क्लाइंट करके भी कुछ होता है एंड इसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। इंडिया भी बेटा वर्जन में है एंड इसको परचेज करने के लिए इसको पे करना पड़ता है। भाई मैंने तो अभी तक कोई क्लाइंट ऐसा यूज नहीं किया जिसको पे करना होता है। इससे पहले कि तुम लोग पूछो कि तुझे फेदर क्लाइंट कैसे मिला, फेदर क्लाइंट इतना महंगा है, मुझे कैसे फेदर क्लाइंट मिला, मैं तुम लोग को बताऊंगा आगे की इस वीडियो के अंदर। तो मैंने इस पर एक पाथ बना दिया एंड इसको डाउनलोड करने के लिए रख दिया था एंड अब डाउनलोड हो चुका है फाइनली। तो यार ओपन करते हैं इस फेदर क्लाइंट को और देखते हैं कि कितना मजेदार है, इतना हाइप क्यों है इस फेदर क्लाइंट का। मैंने बैडलियन पूरी तरह से डिलीटी मार दिया अपने पीसी से, निकल बैडलियन को बोल दिया मैंने, मैं नहीं चलाने वाला, क्योंकि बैडलियन में पता नहीं क्या हो रहा था कि बैडलियन क्लाइंट में मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा था। जब मैं बैडलियन क्लाइंट चलाता था तो अगर मैं कोई सर्वर लीव करता था तो क्रैश हो जाता था अपने आप ही। मेरे अभी फिलहाल दो क्लाइंट ऐसे जो काफी अच्छे दिख रहे हैं, फेदर क्लाइंट एंड लूनर क्लाइंट। माइनक्राफ्ट लॉन्चर मैं 1.18 के लिए खेलता हूं एंड फाइनली फेदर क्लाइंट खुल चुका है इसका। ये बहुत ही मस्त दिख रहा है भाई, भाई कितना सही दिख रहा है, एकदम ही एपिक सा। यहाँ पर माइनक्राफ्ट सेटिंग्स तुम्हें ऊपर दे रखी है, फेदर मॉड्स मैंने अपने सेटिंग्स सेट कर लिया है। तो पहले जाके देखते हैं हम लोग हाईपिक्सल पे एंड कितने एफपीएस मिलते हैं हम लोगों को इस वाले क्लाइंट के अंदर। यहाँ पे हाईपिक्सल पे आ गए हम लोग, काफी स्मूथ चल रहा है। वैसे पता है इसमें एफपीएस काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जैसे मेरे 700 एफपीएस जा रहे हैं, कभी 200 जा रहे हैं, कभी वापस 700 जा रहे हैं। क्या स्मूथ चल रहा है एपिक। पिंग चालू है मेरा, पिंग है किधर, मुझे तो पिंग नहीं दिख रही है अपनी, लीव इट बाद में देखेंगे, मेरी पिंग नहीं दिख रही मुझे। आई डोंट नो भाई इतना फास्ट परचेज कैसे हो रहा है मेरा, आज तक हाईपिक्सल में इतना फास्ट परचेज नहीं हुआ है कभी भी, पर तुम्हें बता रहा हूँ सही में। ओके ब्रदर, इसने मेरा बैट बहुत बुरी तरह तोड़ दिया आते ही। चलो कोई बात नहीं, बैट तो टूट गया आते ही, और कोई ओके ब्रो मैंने इधर इसको भी मार दिया, अपने आप को भी बचा लिया मैन। ए, मर गया मैं, काम से गया ब्रो, मुझे पता था। इसमें मेरे केप वगैरह कुछ आई नहीं है, जो जिसको परचेज करता है वही केप आते हैं। तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि मुझे फेदर क्लाइंट मिला कैसे। ये फेदर क्लाइंट मैं नहीं खरीद रहा था, डेविल को दिला रहा था, तो उसने मुझे दिए थे कि भाई आप खरीदना मेरे लिए, तो मैंने उसके लिए खरीदा। तो उसको फेदर क्लाइंट मिल तो गया, बट उसके बाद जब हम उसने इंस्टॉल किया फेदर क्लाइंट, तो उसको खुद पता चला कि इसके अंदर तुम्हें एक बंदे को भी इनवाइट कर सकते। उसने बोला साहब भाई आपको वीडियो बनाना है, आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है फेदर क्लाइंट, मैं ट्राई कर लूं क्या है, क्योंकि मैं पैसे वाला क्लाइंट कभी खरीदता नहीं मेरे हिसाब से। तो भाई उसने मुझे इनवाइट कर दिया एंड मेरे पास भी एक्सेस आ गया फेदर क्लाइंट का। ये फेदर क्लाइंट बहुत ज्यादा ओपी चल रहा है, मतलब एफपीएस मुझे लूनर जितने ही मिल रहे हैं या और फ्लक्चुएट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्यों हो रहे पता नहीं, बट ब्रिजिंग में और बाकी चीजों में मुझे फर्क बहुत ज्यादा पता चल रहा है इसके अंदर। मैंने एनिमेशन ऑफ कर रखा है, क्या पता नहीं इसकी ब्रिजिंग थोड़ी सी अलग है, स्मूथ नहीं है। इसने लीव कर दिया ब्रो, आते हुए देख के लीव कर दिया मुझे। एक खौफ है तुम्हारे भाई का हाईपिक्सल में, इस बात के लिए तुम मुझे पता है नूब नूब बोलोगे, नो वरीज मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे इसके अंदर ये वाली ब्रिजिंग कर का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों, मैं पीवीपी में बहुत ज्यादा फर्क पता चल रहा है एंड ब्रिजिंग में बहुत ज्यादा फर्क पता चल रहा है मुझे। लाइक अलग ही हो चुका है सीन, बहुत ही ज्यादा ब्रिजिंग का एंड स्मूथनेस भी बहुत ज्यादा अलग है। नॉर्मली मैं जब लूनर से खेलता हूँ तो भाई नहीं होता है इतना ज्यादा स्मूथनेस, बट इसमें पता नहीं क्या ऐसा सीन है। शेट, उसने मेरा बैट निकाल लिया भाई, बहुत ही गंदी लैडर क्लच हो रही है इसमें मुझसे, आज तक ऐसी गंदी लैडर क्लच फेल तो कभी नहीं हो ही नहीं रही है लैडर क्लच, पता है बहुत ज्यादा अजीब है इसमें लैडर क्लच भाई। ये देख लो भाई, तुम इस बंदे को देख लो, वाइट वाले को, ये कर क्या रहा है भाई, करना क्या चाह रहा है ये, इसने तो भाई पूरा मेडी चाट लिया है, ये ऑबी लगा रहा है यार। शेट आई स्वॉर्ड, मैं जो बचाऊं भाई चढ़ाई देता भाई अभी तो। ये आपस में लड़ाई क्यों नहीं कर रहे, यस यही मौका है, यही मौका है, ये लड़ेंगे आपस में, उसके पास ऑब्सीडियन है, उसको पता नहीं, वो नहीं है उसके पास ऑब्सीडियन, वाओ नाइस, यही मौका है, मैं ब्लू के बेस पे जाऊंगा, ब्लू की गुद्दी तटकाऊंगा और फेल इनटू वॉइड ब्रो। नहीं ना इतना तो ये करेगा मुझे फायरबॉल एंड मेरी इज्जत का कचड़ा। ओके ओके नहीं ब्रो मेरा गेम ओवर हो गया, बट जी जी कोई बात नहीं, ब्रिज बहुत लंबा जाएगा मुझे लग रहा है, बहुत लंबा जाएगा ब्रिज ब्रो, और इसके ब्रिज वाले प्लेयर्स काफी स्वेट होते हैं भाई। अरे ब्रदर चल जल्दी, नहीं 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 ओके सो भाई मेरे को लगता है ब्रिज में बिना फेस कैम के गेम प्ले ज्यादा बेटर लगता है। अरे ब्रो कहां से चला गया ये, शेट कोई बात नहीं। तो भाई बहुत बुरी तरह माई ब्रिज के अंदर पिट के, अब मैं बताने वाला हूँ तुम्हें बिल्ड यूएचसी के अंदर पिट के। सोलोस बिल्ड यूएचसी कोई खेल नहीं रहा वैसे तो, स्काई वॉर्स खेल रहे बंदे,
स्काईवॉर्स में आएगी कोई फाइट हो जाए प्लीज, नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे इसको खेल के, बट अगर पैसे के मामले में बात की जाए तो मैं शायद ही बोलूँगा कि ये वर्थ इट है। हेलो सर, किधर भाग रहे हो तुम? वैसे वो मुझसे दूर भाग रहा है क्योंकि मेरी हेल्थ कम है ज्यादा। सर व्हाट्सअप व्हाट्सअप वेस्ट करा रहा है यार ये लौंडा। आना यार, वेल डन भाई। ये बंदा बहुत अनोइंग है भाई, मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा तुम्हें। ओ ये क्या कर रहा है, इसकी एरो इसको ही कैसे लग रही है? ये यार ये मेरी तरफ एरो मार रहा है, इसको कैसे वापस आ रही है एरोस? एंड मुझे मिल गया मेरा फाइनली फेदर क्लाइंट। अब देखते हैं इसके आगे कैसे कैसे चलता है ये फेदर क्लाइंट। तो क्या मुझे लूनर से फेदर क्लाइंट पर शिफ्ट कर लेना चाहिए? अगर मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ भाई ये ज्यादा बेटर है। बाकी ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में देखा जाए तो, ये जो इसका इंटरफेस है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक बटन जरूर दबा देना, एंड फेदर क्लाइंट के मॉड्स वगैरह की वीडियो सेटअप करने की वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो अगर तुम्हें FPS बूस्ट करने की वीडियो देखनी है तो जाके वो वाली वीडियो देखो, एंड मेरे ये टेक्सचर पैक कौन सा था और इससे भी बढ़िया बढ़िया टेक्सचर पैक देखने हैं तो जाके ये बेस्ट टेक्सचर पैक वाली वीडियो देखो। तब तक के लिए टाटा गुड बाय।